भविष्य में डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं, अपना भविष्य सिक्योर करना चाहते हैं, डॉक्टर जैसी लाइफ जीने का ख्वाहिश लेके अभी नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो यह वीडियो आपको देखनी चाहिए। 2033 तक डॉक्टरों की संख्या कितनी हो जाएगी, डॉक्टरों की हालात कैसे हो जाएगी, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। हर साल 22 लाख नीट यूजी कैंडिडेट नीट का एग्ज़ाम दिलाते हैं ताकि वह एमबीबीएस डॉक्टर बन सकें। करेंटली इंडिया में 1 लाख एमबीबीएस सीट है, इंक्लूडिंग प्राइवेट एंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। इस हिसाब से अगर 2033 तक देखा जाए तो 2033 तक 10 लाख नए डॉक्टर्स आएंगे, 10 लाख नए डॉक्टर्स ऐड होंगे। और ये बात ध्यान रखिए कि डॉक्टर्स कभी रिटायर नहीं होता, अभी डॉक्टर बन गया तो वो 60 तक, अपने 60s 70s तक भी प्रैक्टिस करते हैं, मीन्स डॉक्टर कभी रिटायर नहीं होता। और 2033 तक इस हिसाब से हर डिस्ट्रिक्ट में 2000 नए डॉक्टर ऐड होंगे। आपको 2000 संख्या बहुत कम लग रही होगी, लेकिन ये संख्या कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। और ये सिर्फ एमबीबीएस डॉक्टर का है, आयुष डॉक्टर और ऐड हो गए तो इसकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। सिचुएशन नंबर 2, जो अभी डॉक्टर्स हैं जस्ट लाइक मी, जो 40s में डॉक्टर है, जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर चुके हैं अपना क्लिनिक, जो अभी भी रिटायर्ड नहीं हुए हैं, अपना प्रैक्टिस कंटिन्यू कर रहे हैं, जिनका नाम चलता है, जिनके नाम से हॉस्पिटल चलता है, वे भी डॉक्टर्स फील्ड में हैं। अब इस कंडीशन में 2033 तक आप मुझे बताइए, मैं आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूँ, आप कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि 2033 तक अगर इतनी ज़्यादा डॉक्टर की संख्या बढ़ जाएगी तो क्या इससे रूरल एरियाज़ में पेशेंट को बेनिफिट मिलेगा या फिर ये हार्मफुल होगा? क्या डॉक्टर्स मेट्रो सिटी में जाएंगे, Tier 1 Tier 2 सिटीज़ में जाएंगे कि रूरल एरिया में सेटल होंगे? क्या एमबीबीएस लेना जस्टिफाइड है जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट हमसे वादा करते हैं?